Years. This is Assistant Professor Manpreet Kaur from PG Department of CS and IT, Dwapar College, Jalandhar. Today we are going to discuss about PHP basics. First of all, I would like to share the table of content. I will discuss PHP basic development concept and how to create first PHP script, then escaping special characters in PHP, advantages of PHP over other languages, applications of PHP, storing data in variables, and assigning values to variables. Let's start with the first topic, PHP basic development concept. जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात की थी कि PHP की स्क्रिप्ट को आप HTML के साथ इंबेड कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और एग्जाम्पल में मैंने HTML के अंदर बॉडी टैग के अंदर PHP का स्क्रिप्ट यूज किया है और यहाँ पे जो हम echo कमांड यूज कर रहे हैं, echo इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग स्टेटमेंट, प्रिंटिंग का स्टेटमेंट. Here I am printing hello everyone and it will be output as hello everyone. अब next term आ रही है कि अगर हम without HTML PHP का code run करें तो कैसे script होगी. यहाँ पे मैं page create किया है second.php and PHP की script को run करने के लिए किस server की कौन से प्लेटफॉर्म की जरूरत है उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कोड लिखना है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए. आप सबलाइन यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, एनी एडिटर. एंड फॉर सेविंग द पीएचपी फाइल यू हैव टू ऐड एक्सटेंशन विद द नेम ऑफ पेज डॉट पीएचपी. हियर आई एम यूजिंग सेकेंड डॉट पीएचपी एज अ नेम ऑफ माई पेज. इस पेज को सेव करने के लिए हमें वेब सर्वर्स डॉक्यूमेंट रूट के अंदर अपना पेज सेव करना पड़ता है. जैसे कि आपने अगर ज़ैम्प इंस्टॉल किया है तो ज़ैम्प हमारा सी ड्राइव में पड़ा हुआ है. आपने सी ड्राइव में जाना है और ज़ैम्प के अंदर आपने htdocs फोल्डर के अंदर जाना है. htdocs फोल्डर जिसके अंदर सारे के सारे आपके PHP के प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं और यहाँ पे आपने अपना फोल्डर क्रिएट करना है. जैसे मैंने क्रिएट किया था BSC, तो BSC इज माय प्रोजेक्ट नेम और द फोल्डर नेम विच विल बी यूज्ड फॉर रनिंग द फाइल्स. एंड BSC फोल्डर के अंदर मैंने फाइल सेव की है second.php. इसके बाद हमें ज़ैम्प कंट्रोल पैनल में जाके अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना होगा. देन ओपन योर ब्राउजर एंड टाइप यूआरएल. हियर आई टाइप्ड localhost स्लैश द फोल्डर नेम व्हिच आई हैव क्रिएटेड इन htdocs फोल्डर bsc एंड देन second.php एंड द आउटपुट ऑफ माय फाइल इज हेलो एवरीवन. Next topic is escaping special characters in PHP. There are total 5 sequences used for PHP. Backslash n, a line feed character. Backslash t, used for a tab. Backslash r, a carriage return. Backslash double quotes, a double quotation mark. Backslash single quote, a single quotation mark. अब इसके बाद हम एग्जांपल ले रहे हैं और डबल कोटेशन मार्क. इस एग्जांपल में मैंने पीएचपी स्क्रिप्ट के अंदर इको कमांड यूज करके हेलो एवरीवन प्रिंट करवाया है और साथ में मैंने डबल कोटेशन मार्क यूज किया है बैक स्लैश डबल कोट्स हाउ आर यू बैक स्लैश डबल कोट्स क्लोज एंड देन सेमी कॉलन. इसकी आउटपुट अब आएगी हेलो एवरीवन एंड हाउ आर यू डबल कोट्स के अंदर आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पीएचपी ओवर अदर लैंग्वेजेस. फर्स्ट एडवांटेज इज इजी टू लर्न. एज यू ऑल नो पीएचपी इज इजी टू लर्न एंड यूज. जो बिगनर्स हैं प्रोग्रामर्स
जस्ट वेब डेवलपमेंट जिन्होंने स्टार्ट की है, तो स्क्रिप्टिंग, पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रेफरेबल चॉइस है उनके लिए एंड बेस्ट है बिकॉज इट इज इजी टू लर्न. सेकेंड वन इज ओपन सोर्स. पीएचपी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसमें और लैंग्वेज है जिसकी वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी में जो डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से फ्रीली सोर्स कोड अवेलेबल किया गया है और anyone can download and use that code anytime. Next one is portability. PHP runs on various platforms such as Microsoft Windows, Linux, Mac operating system, etc. And also it is compatible with almost all servers used such Apache, IIS, etc. PHP की फास्ट परफॉर्मेंस है. स्क्रिप्ट्स रिटन पीएचपी यूजली एग्जीक्यूट फास्टर देन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक ESP.NET और JSP एटसेट्रा. लास्ट वन इज वास्ट कम्युनिटी. सिंस पीएचपी इज पोर्टेड बाय द वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, finding help or documentation of for PHP online is extremely easy as compared to other languages. There are some applications of PHP. First one is web pages and web-based applications. Website एक ऐसा group है जो globally accessible होता है and interlinked web pages which have a single domain name. And web application एक ऐसा software और program है which is accessible using any web browser. Developing your website helps you in branding your business. Next one is web content management system. वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि जो आप वेबसाइट्स बनाते हो उसमें आप डेटाबेसेस यूज करते हो जिसमें मल्टीपल टाइप्स का डेटा आप स्टोर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनाई और आप उसमें MySQL डेटाबेस यूज कर सकते हो या फिर आप उसमें Oracle, MSSS किसी भी तरह का डेटाबेस यूज करके आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो. थर्ड वन इज ई-कॉमर्स एप्लीकेशन. ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस बेसिकली आप बहुत सारी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो जो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करे. जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं. Next topic is how to storing data in variables. PHP supports 9 primitive types. Actually, PHP supports 8 primitive types, but one type is new. So it is categorized into 3 types. First one is 4 scalar types: boolean, integer, float, and string. 2 compound types: arrays and object. 3 special types: resource, null, and callable. Callable new data type है. इसी के साथ में variable, as you all know, variable एक container है जिसमें आप both numeric and non-numeric information store कर सकते हैं. And PHP में variable को represent करने के लिए हम dollar sign use करेंगे. And variables are case sensitive. As like other languages. Next concept है assigning value to variables. Variables को value assign करने के लिए हम equals to symbol use करेंगे. यहाँ पे हमने इस example में dollar name equals to single quotes में हमने वीर लिखा है. तो जो वीर value है वो किस variable को assign हुई है? Name variable को. Equal dollar name इसके द्वारा हम the value of variable store करवाएंगे. तो it will output as weed. Next is how to destroying variable.
तो वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम सिर्फ अनसेट फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डॉलर नेम इक्वल्स टू वीर यूज किया है, तो वीर एस वैल्यू साइन हुई थी वेरिएबल को, देन उसके बाद उसको अनसेट कर सकते हैं अनसेट फंक्शन के द्वारा। अनसेट ब्रैकेट में इसका एक ही पैरामीटर है द नेम ऑफ वेरिएबल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। अनदर टॉपिक्स ऑफ पीएचपी बेसिक्स आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।